बाहुबली द कंक्लूजन इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म ने पूरी कंट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। कितने ही फैंस हैं जो नहीं चाहते कि बाहुबली सीरीज बस दो पार्ट्स में खत्म हो जाए। हम आपको बाहुबली की स्टोरी से जुड़ी पांच ऐसी थ्योरीज बताएंगे जिससे प्रूव होता है कि बाहुबली सीरीज का अभी एंड नहीं हुआ है। बाहुबली द कंक्लूजन के एंड में दिखाया गया है कि महेंद्र बाहुबली भलाल देव को मार देते हैं, पर भलाल देव के पिता बिजाल देव का एंड नहीं दिखाया है क्योंकि उनके कैरेक्टर ने ही सब षड्यंत्र रचे थे अपने बेटे को राज्य का सिंहासन दिलाने के लिए। चाहे वो कटप्पा का अमरेंद्र बाहुबली को मारना हो या शिवगामी को धोखा देना, तो इससे पता चलता है कि वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो शायद अगले पार्ट में उनके कैरेक्टर को महेंद्र बाहुबली से अपने बेटे की मौत का बदला लेते हुए स्टोरी आगे बढ़ाई जा सकती है। कटप्पा का फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो अपने वचन पे हमेशा अमल करते हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि उनके कैरेक्टर की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया है। तो ये स्टोरी भी अपने आप में ही एक पहेली है कि ऐसा क्या हुआ था जो कटप्पा इतने वफादार हैं, और अगर कटप्पा को ही कुछ हो जाए तो महेशमति और बाहुबली का क्या होगा। बाहुबली के अगले पार्ट में कटप्पा की हिस्ट्री दिखाई जा सकती है, जैसे उनकी फैमिली या उनके पास से रिलेटेड कोई और इंसिडेंट फिल्म की आगे आने वाली स्टोरी को बहुत इमोशनली इम्पैक्ट कर सकता है। आपको याद होगा कि बाहुबली द बिगिनिंग में कटप्पा के इंट्रोडक्शन सीन में उनका सामना काबुल के शेख असलम खान से होता है। शेख असलम खान का कैरेक्टर सुदीप ने प्ले किया है और सभी जानते हैं कि सुदीप भी एक बहुत मशहूर एक्टर हैं। तो उनके कैरेक्टर को बाहुबली के अगले पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिल्म में भलाल देव का एक बेटा दिखाया गया है जो शिवा के हाथों मारा जाता है, पर सोचने वाली बात यह है कि भलाल देव की पत्नी का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, जो भलाल देव की मौत का बदला लेने के लिए महेशमति राजे वापस आ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये स्टोरी भी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली ने एक रिसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है कि बाहुबली सीरीज का भी एंड नहीं हुआ है, और अगर राजामौली को वो स्टोरी अच्छी लगती है तो शायद हम सब बाहुबली का एक और पार्ट फ्यूचर में जरूर देख पाएंगे। पर वो सिर्फ फायदे के लिए ही फिल्म नहीं बनाना चाहते, वो अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और ऑडियंस को भी एक अच्छी फिल्म प्रेजेंट करना चाहते हैं।